हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रॉयल एनफील्ड में नहीं, बाकी बहुत सारी गाड़ियों में मिसिंग का प्रॉब्लम तो होता ही है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं मिसिंग को और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी गाड़ी में भी मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया एंड देखा कि बहुत छोटी प्रॉब्लम है एक्चुअली में वो, तो कैसे सॉल्व किया, कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो है। एंड इस वीडियो को आखिर जरूर देखेंगे ताकि वो सारी डिटेल आपको मिल सके, पता चल सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है फ्यूल सिस्टम, एक है इग्निशन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है वो मिसिंग को क्रिएट करते हैं। इन दोनों में से ही चेक करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं बात करूं फ्यूल सिस्टम की, दैट इज रिलेटेड टू टैंक। ठीक है, फ्यूल सिस्टम अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है तो आपको मिसिंग आएगा, और इग्निशन सिस्टम अगर फ्यूल प्रॉपरली नहीं जला पा रहा है तो मिसिंग प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है दैट इज रिलेटेड टू चार्को कनेक्टर एंड सेकेंड स्पार्क प्लग। ये दोनों ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर आप गाड़ी में प्रॉब्लम है तो ये दो पहले चेक कराना है। तो पहले मैं बताता हूँ चार्को कनेक्टर के बारे में, फिर स्पार्क प्लग का थॉट लेंगे, जिससे आपको नॉलेज मिल सके, डिटेल मिल सके, कब उसको चेंज करना होता है, कैसे उसको चेक करना होता है कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू चारों कनेक्टर। चारों कनेक्टर क्या वर्क करता है, जो आपका जो पेट्रोल जो इवेपोरेट हो चुका है टैंक में रहता है उसको सक करता है, री देता है आपके इंजन को, कंबशन चैम्बर को, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंट होता है। तो क्या होता है कि टैंक में अपर साइड में गैस बनती है, तो अपर साइड में एक पाइप लगा हुआ है जिससे कि वो सक करता है। अगर उसके अंदर पेट्रोल चले गया, अगर आपने फ्यूल लेवल से ज़्यादा आपने भर रखा, जैसे 90% पेट्रोल अपने टैंक में भरना है, ठीक है, अगर आपका 13.5 लीटर का टैंक है तो 12 तक मैक्स आप भरिए, कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर का स्पेस रखिए, ताकि आपका उसके अंदर जो है वो पेट्रोल ना जाए। ठीक है, चारों कनेक्टर पेट्रोल चले गया तो वो प्रॉपरली सक नहीं करेगा। एंड टैंक में बनने वाली बार बार गैस, ये बहुत लोगों कंप्लेन है कि टैंक में गैस बन रहा है, तो एक बार चारों कनेक्टर जरूर चेक करवाइए, वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो स्पार्क प्लग से रिलेटेड है। तो स्पार्क प्लग में ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। मेरे में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये जो अब ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, जो ये एल शेप का आप ऊपर देख रहे होंगे, ये एल शेप का जो था ज़्यादा बाहर की तरफ हो गया था, जिससे कि 1.5 mm के आसपास का डिस्टेंस बन चुका था। एंड आई डोंट नो वो क्यों हुआ था, हीट की वजह से हुआ था, कैसे हुआ था मुझे वो नहीं मालूम है। इसकी वजह से मिसिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अगर ये डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड से ग्राउंड इलेक्ट्रोड का अगर जो डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, जो कि होना चाहिए 0.80 से लेकर 0.90 तक, अगर मेंटेन नहीं होता है तो ये मिसिंग क्रिएट करेगा, प्रॉपरली इग्निशन नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा क्लोज भी है, 0.50 है, मतलब 0.5 mm है, तो भी ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, प्रॉपरली इग्निशन नहीं मिलेगा। ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है एवरी 3,000-4,000 किलोमीटर पे, ये क्लीन होना ही चाहिए, जो कि सर्विस में नहीं होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड 15,000 किलोमीटर पे ये चेंज होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बाकी ऑप्शन मार्केट में जो है, दैट इज इरिडियम, प्लैटिनियम एंड डबल प्लैटिनियम, ये सभी तरीके के, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सभी कंपनीज जो हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड वाला यूज़ करते हैं, बिकॉज सस्ता आता है। तो इरिडियम जो है वो महंगा आता है, जो इरिडियम का अगर कॉस्ट बोला जाए तो 1500 से 600 रुपये के आसपास में आता है, और ये जो है वो 150 रुपये के आसपास में आता है। तो इसीलिए कंपनी जो है सबसे ज़्यादा कॉपर इलेक्ट्रोड ये लेती है। इरिडियम जो है उसकी लाइफ जो होती है ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन उसकी ज़्यादा होती है, कम से कम 30,000-40,000 तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लीन करके, प्रॉपरली मेंटेन करके। तो दोस्तों, इसमें जो ये आप देख रहे हैं वो सिरामिक होता है, जो सेपरेटर होता है, कई बार ये भी ब्रेक होता है, कभी टूटने की वजह से आपको जो नेगेटिव पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों जो हैं वो मिसिंग प्रॉब्लम करते हैं, जॉइंट होने की वजह से, जुड़ने की वजह से। तो ये भी देखिएगा, और टिप के जो आप टिप पॉइंट के अंदर भी ये सिरामिक ही है, अगर वो भी ब्रेक हो गया है तो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है, किलोमीटर पे चेंज करना है, क्लीन करना है, ये सब चीज़ें करते हैं तो मिसिंग प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब आपको मालूम है कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है चारों कनेक्टर, आपके टैंक में गैस बन रही है बार बार और मिसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पार्क प्लग चेक करिए। एंड स्पार्क प्लग के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग है, अगर आपको चाहिए तो मैं सेपरेट ब्लॉग बना सकता हूँ, आपको डिटेल ब्लॉग बना सकता हूँ कि स्पार्क प्लग में कौन सा बेस्ट है, ऑप्शन कौन कौन से हैं, आपको कैसे एक अच्छा परफॉर्मेंस
एक स्पार्क प्लग आप ले सकते हैं, वो सारे डिटेलिंग अलग से बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड दूसरे फैक्टर्स जो हैं स्पेशल केस में भी आ जाते हैं, ये पाइप जो है वो चोक हो गई है, कहीं से फंस गया है, कुछ टुकड़ा रह गया है, वो सब भी एक मिसिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर आपका CDI है, या फिर आपका इग्निशन कॉयल है, या फिर ये सब चीज़ें भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सब दूसरे केस हैं। नॉर्मली ये सब इतने ज़्यादा तरीके नहीं आते हैं जो जितने कि चारों कनेक्टर और स्पार्क प्लग आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये चेक करिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें चेक करिए। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर था। अगर यहाँ तक अपने वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, एंड थम्सअप करके जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, एंड उसको ब्लू मार्क कर दीजिए, वो ग्रे होगा ब्लू कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स मैं बनाता रहूँ एंड मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इन सब चीज़ों पे। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट ग्रुप। कोई भी क्वेश्चन है टोटली कमेंट सेक्शन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ डिटेल मैं दे दूंगा आपको, जहाँ से कि कुछ आइडियाज़ मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगेन बोलता हूँ, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट ग्रुप। बाय।